ओडिशा के जंगलों में कुदरत ने तरह तरह के फल फूल और औषधियों के पेड़ दिए हैं। इमली तो यहाँ इतनी होती है कि पूछिए नहीं। कोरापुट का यह तालूर गांव तो मानो इमली के जंगल में ही बसा है। तालूर दुर्वा आदिवासियों का गांव है। इन आदिवासियों के बारे में कहा जाता है कि ये लोग गौंड आदिवासी समुदाय का ही एक समूह है। एक समय था जब ये आदिवासी शरीर पर कपड़े के नाम पर एक लंगोटी ही पहनते थे। आज भी इस समुदाय के बुजुर्ग इसी हालत में नजर आते हैं। छत्तीसगढ़ में इन आदिवासियों को धुरुआ के नाम से जाना जाता है। भारत में कुल 705 आदिवासी समुदायों को जनजाति का दर्जा दिया गया है। इनमें से 75 आदिवासी समुदायों को विशेष रूप से कमजोर और पिछड़े आदिवासी समुदाय माना गया है। यानी ये ऐसे आदिवासी समुदाय हैं जिन्हें आदिम जनजाति माना जाता है। छत्तीसगढ़ में धुरुआ आदिवासियों को इसी श्रेणी में रखा गया है, लेकिन दुर्वा आदिवासियों को ओडिशा में जनजाति की श्रेणी में नहीं रखा गया है। देश में कई आदिवासी समुदायों के साथ ऐसा हुआ है कि नाम के उच्चारण के हेरफेर में वो जनजाति का दर्जा पाने से वंचित हो गए हैं। हमारे समुदाय का तो कोई लिखित इतिहास नहीं है, क्योंकि हमारी भाषा की तो कोई लिपि भी नहीं है। हम लोगों को जो इतिहास मिलता है वो अपने बुजुर्गों से मिलता है, किसे कहानियों के जरिए मिलता है। हम लोग अपनी परंपरा, अपनी धार्मिक आस्थाओं, अपने सामाजिक व्यवस्थाओं से लेकर अपने गीत संगीत, अपने वाद्य यंत्र या फिर हमारे जो शादी ब्याह के की जो रस्में हैं, या फिर हमारे यहाँ जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद जो शोक होता है या फिर जो रस्में होती हैं, उन सब के साक्ष्य लेकर हम दिल्ली पहुँचे थे। और उस आधार पर हमने सरकार से ये मांग रखी थी कि हमें जनजाति का दर्जा दिया जाना चाहिए, लेकिन अभी तक हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई है। हम अभी भी जनजाति के दर्जे से वंचित हैं। भारत के आदिवासी समुदायों की जनजाति के रूप में पहचान का कोई तय पैमाना नहीं है। यह एक ऐसा मसला है जो अभी तक सुलझाया भी नहीं गया है। फिलहाल जो व्यवस्था है उसके तहत एक आदिवासी समुदाय किसी राज्य में जनजातियों में शामिल हो सकता है, जबकि दूसरे राज्य में उसी समुदाय को सामान्य समुदायों की श्रेणी में रखा जा सकता है। ऐसा ही मामला उड़ीसा के इन दुर्वा आदिवासियों के साथ हुआ है। हालांकि इनकी संस्कृति, जीविका के साधन, परंपरा सभी यह साबित करते हैं कि ये आदिवासी जनजाति में शामिल किए जा सकते हैं। यहां तक कि इनकी रिश्तेदारियां छत्तीसगढ़ के धुरवा आदिवासियों में मिलती हैं। मेरी जो चाची हैं, यानी कि मेरे जो छोटे चाचा हैं, उनकी शादी छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में एक धुरवा परिवार में हुई है। इस वजह से इस समुदाय को शिक्षा और नौकरियों में आरक्षण का लाभ नहीं मिल पाता है। इसके अलावा भी कई कानूनों और योजनाओं की सुरक्षा से भी ये आदिवासी वर्ग वंचित हो जाता है। ओडिशा के मलकानगिरी, कोरापुट, नवरंगपुर और बलांगीर में दुर्वा आदिवासियों की आबादी है। यह आदिवासी समुदाय खेती और पशुपालन भी करता है, लेकिन ओडिशा का यह आदिवासी समुदाय अभी भी अपने भोजन और जीवन यापन के लिए जंगल पर ज्यादा निर्भर है। इस समुदाय में अगर जीवन के बाकी पैमाने भी देखें तो आप ये पाएंगे कि ये समुदाय गरीबी और शोषण का शिकार है। हम आज तक नहीं समझ पाए हैं कि आखिर उड़ीसा के जो दुर्वा आदिवासी हैं, यानी कि हमारा समुदाय है, हमें क्यों जनजाति का दर्जा नहीं दिया गया है, क्यों हमें उस लिस्ट में शामिल नहीं किया गया है, क्यों हमें जनजाति के तहत मिलने वाली संवैधानिक और कानूनी सुरक्षा से वंचित रखा गया है। ये हमारे लिए एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब कोई नहीं देता है। 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार ओडिशा में इनकी कुल आबादी 11,512 थी, जबकि साक्षरता दर करीब 7.2% बताई गई है। यह समुदाय अपनी संस्कृति, परंपराओं और जीवन शैली के आधार पर लंबे समय से ये दावा कर रहा है कि उन्हें जनजाति की श्रेणी में रखा जाना चाहिए।
मैं भी भारत की टीम ने ओडिशा के कोरापुट और मलकानगिरी जिले के कई गांवों में इन आदिवासियों की रोजमर्रा की जिंदगी को काफी नजदीक से देखा। हमने पाया कि इस समुदाय की बनावट, सामाजिक व्यवस्था, भाषा और उत्पादन के साधन सभी के आधार पर इसे जनजाति का दर्जा मिल सकता है। दिल्ली में चाहे लाइन स्थिति में चाहे जाति अमर बाजा बाजी अमर तो जाति अमर जितकी जब हम दिल्ली गए थे तो हम अपने बाजे को साथ लेकर गए थे, अपने वाद्य यंत्रों को साथ लेकर गए थे। जब हमने अपने वाद्य यंत्र वहाँ दिल्ली में दिखाए तो हमसे पूछा भी गया था कि ये वाद्य यंत्र हम क्यों लेकर आए हैं। तब हमने बताया था कि चाहे हमारे पर्व हों या हमें अपने देवताओं को मनाना हो, हमारे शादी ब्याह हों, हमारे गीत संगीत में इन्हीं वाद्य यंत्रों का इस्तेमाल होता है। हम उनको दिखाना चाहते थे कि क्या हमारे वाद्य यंत्र आदिवासियों के वाद्य यंत्र नजर नहीं आते हैं? क्या हमारी परंपरा, हमारी आस्थाएं आदिवासियों की आस्थाएं नहीं हैं? अगर हैं तो फिर हमें जनजाति का दर्जा क्यों नहीं दिया जाता है? ठाकुर मानव विज्ञानी यानी एंथ्रोपोलॉजिस्ट कहते हैं कि ओडिशा के दुर्वा निग्रोट नस्ल से हैं। इन आदिवासियों के नए नक्श के बारे में ये मानव वैज्ञानिक कहते हैं कि दुर्वा गठीले बदन के होते हैं जिनके कंधे चौड़े पाए जाते हैं। आप देख सकते हैं कि मानव विज्ञानियों की परिभाषा में ये लड़के लड़कियां फिट बैठते हैं। इनके परंपरागत गीत संगीत, इनके वाद्य यंत्र, इनकी पूजा पद्धति और इनका नाच गान सब कुछ ये साबित करता है कि ये आदिवासी हैं और इन्हें जनजाति का दर्जा मिलना ही चाहिए।
ओडिशा के कोरापुट के दुर्वा आदिवासियों की जीवन शैली की बात करें, उनकी भाषा बोली की बात करें या फिर उनके गीत संगीत की बात करें, वो छत्तीसगढ़ के धुरवा आदिवासियों से न सिर्फ मिलती जुलती है बल्कि उसमें कोई फ़र्क करना बेहद मुश्किल है। अगर आप कोई फ़र्क कर सकते हैं तो वो भाषा के बोलने के लहजे में थोड़ा बहुत फ़र्क आपको नज़र आ सकता है, लेकिन छत्तीसगढ़ में धुरवा आदिवासियों को आदिम जनजाति का दर्जा हासिल है, लेकिन ओडिशा के कोरापुट में धुरवा आदिवासियों को आज भी जनजाति के तौर पर संवैधानिक अधिकार और पहचान नहीं मिल पाई है।